हेलो गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टॉक बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टॉक बताइए जिसका प्राइस बहुत कम हो, तो वो क्या कर सकते हैं, हाई क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, HDFC बैंक है। HDFC बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है और रेपुटेटेड बैंक है। इस बैंक को अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे तो मुनाफा देखने को मिलेगा, लेकिन लोग खरीदने से थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि उनको छोटे प्राइस वाला शेयर चाहिए होता जो कि HDFC बैंक जैसा ही रिटर्न देने वाला हो। अगर इंसान आपको बोलता है कि भाई ये स्टॉक को रखो, एक साल के अंदर जो आपका पैसा डबल डबल करते करते आपको नजर आएगा, तो आप क्या करोगे, वो शेयर को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? प्राइस बहुत कम, लगभग अराउंड 50 रुपीज के आसपास चलेगा। ये 1000 रुपीज का शेयर है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही है तो HDFC बैंक को तो हम यहां कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी बैंक है। अब देखिए, इसका जो प्राइस है 1130 रुपीज का शेयर है। अगर लगभग मैं आपको केवल 50 रुपीज का स्टॉक बनूं तो सोच सकते हो 1000 में आप कितना ज्यादा हाई क्वांटिटी यहां पर खरीद सकते हो। अब ये रहा स्टॉक का प्राइस, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 50 रुपीज के आसपास है, 53। जैसे कि HDFC बैंक में लगभग आपको 3 या 4% की आपको तेजी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। अभी देखिए, ये स्टॉक हमें क्यों खरीदना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। अभी देखिए, लगभग ये स्टॉक बहुत छोटे प्राइस में स्टार्ट हुआ था, लगभग ये अराउंड 1 रुपीज के आसपास स्टार्ट हुआ था और इसने लगभग 100 का लेवल टच किया था, ऊपर गया था 115 का लेवल टच किया था, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आज के रेट में ये स्टॉक जो है गिर चुका है। और ये लेवल अगर हम मिला है तो काफ़ी पहले आ चुका है। यहाँ देखिए, जब ये स्टॉक जब भी गिरता था तो ऊपर जाता था, जब भी गिरता था ऊपर जाता था, यहाँ कई बार गिरावट आई लेकिन ये स्टॉक ऊपर गया। लेकिन फाइनली जब इसमें COVID-19 आया तो अभी तक ये स्टॉक जो है रिकवर नहीं हो पाया है। हालांकि 2019-17 में भी इसमें गिरावट हुआ था किसी वजह से, और उसके बाद आज के रेट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर COVID-19 की वजह से ये जो आपको डायरेक्ट गिरावट देखने को मिल रहा है, ये COVID-19 की वजह से हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो स्टॉक है यहाँ पर बॉटम बना चुका, कोई माने या ना माने स्टॉक बॉटम बना चुका। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब मार्केट 7500 गया था, उसके बाद देखिए जब 800 के आसपास रिकवर करने गया, सॉरी 8000 के आसपास, तो मैंने बोला कि मार्केट बॉटम बना चुका है, अब आपको केवल बेनिफिट मिलने वाला। तब भी यहाँ पर लोग बोल रहे थे नहीं, तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। देखिए, मैं भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अपनी अपनी राय आपके सामने रख सकते हैं। उसी तरीके ही ये जो बैंक है, आपका पैसा डबल करते हुए नजर आएगा। अगर बैंक के आपके बारे में नहीं पता तो देख लीजिए, फेडरल बैंक है। राकेश झुनझुनवाला ने भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं इसमें, और हमने भी खरीदा, मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीदा है फेडरल बैंक, और ये बहुत ही मजबूत और अच्छा बैंक है। और यहाँ पर देख सकते हैं भसीम जी भी मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ये जो बैंक है आपको पैसा डबल करके देगा, मतलब इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वो भी करके दे सकता है विदाउट किसी रिस्क के। आई थिंक HDFC इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और हेमंत जी, यहाँ मैं एक और बोलूंगा कि फेडरल बैंक नंबर्स आर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। इट इज बिकम द लार्जेस्ट बैंक विद गोल्ड एक्सपोजर। मनप्पुरम और मुथूट तो आर गोल्ड लेंडर्स, बट इन द बैंकिंग साइकिल Federal is the largest lender in gold finance. It is increasing its footprint there. Its NIMs, its net interest income, net interest margins are at an 18-quarter high. Or thirdly, Mr. Shyam Srinivasan is going to continue for the next 3 years. I think this stock, along with HDFC, should be in all portfolios. यहाँ कहता हूँ कि फेडरल बैंक अगली दिवाली तक आपको डबल होके दिखा सकता है। That is how much bullish I am on certain banks. और आपको मैं फिर देखिए, यहाँ पर इन्होंने साथ साथ बोला, यहाँ देखिए साफ साफ बोला कि मैं कितना ज्यादा बुलिश हूँ कुछ ऐसे बैंक पे जो आपको अगली दिवाली तक जो है मतलब डबल करके ही दिखाएगा ये स्टॉक। अभी देखिए, ये ज़्यादातर बुलिश क्यों है फेडरल बैंक पे, यहाँ पर तो उन्होंने 2 रीज़न दिया। पहला रीज़न तो आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरा रीज़न क्या है कि ये बैंकिंग सेक्टर में तो इंगेज्ड है। यहाँ पर देखिए, बैंकिंग सर्विस तो ये देता ही है, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ ये फाइनेंस सर्विस भी देता है। अगर फाइनेंस सर्विस में अगर हम आ जाते हैं गोल्ड लोन में, ठीक है, तो सबसे पहले मुथूट फाइनेंस है। भाई, मुथूट फाइनेंस को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मुथूट फाइनेंस को। और मुथूट फाइनेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस ने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। देखिए, आज के डेट में इसने क्या कर दिया गया है, डिफर कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपको जो है मना कर दिया गया है, इसके वजह से स्टॉक स्प्लिट नहीं होने वाला, ठीक है, लोगों को ज़्यादातर बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज के डेट में मैंने आपको बोला था स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, दिक्कत की कोई बात नहीं है, कंपनी ने किसी भी तरीके के गलत काम की, क्या लॉस हुआ कंपनी को या फ्रॉड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ऑफर देने वाला था वो ऑफर अभी तक क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, वो भी कुछ दिनों के लिए, तो वो देगी, तो इसमें क्या हुआ, स्टॉक को कुछ नहीं होगा। आज के डेट में भी आपके सामने अच्छी तरीके से खड़ा है। और ये देखिए, लगभग जो ये स्टॉक को मैंने 700 से बोला था बाय करने के लिए, क्यों, जब गिरावट आई थी तब देखिए ऊपर तो चला ही जा चुका था, गिरावट में मैंने आपको खरीदने के लिए बोला था जो 500 था, लेकिन मैंने 500 में नहीं बोला था खरीदने के लिए, लगभग 704 रुपीज में बोला था खरीदने के लिए, मुझे अभी भी याद है। और आज की रेट में 1287 मतलब 80-90 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जो है टच किया, 52-week हाई। तो सोचिए, आज के डेट में भी मैं इस ये स्टॉक में उतना ही ज़्यादा बोली सी हूँ जितना आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, ये स्टॉक कभी भी आपको लॉस नहीं देने वाला।
क्योंकि जो मुथूट फाइनेंस है वो गोल्ड लोन में है, उसी तरीके से गोल्ड लोन के लिए ये कंपनी काम कर रही है फाइनेंस सर्विस में, इसलिए ये बैंक में ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। मैं चाहूँगा देखो आप भी स्टडी करो और बैंकों के बारे में जानो कौन क्या काम कर रही है, तब तक अगर जब तक आपको नहीं पता रहेगा प्रॉफिट कैसे बुक करोगे, अगर आपको हर एक चीज़ पता तो आप इजीली प्रॉफिट बुक कर लोगे। और मानो ना मानो ये स्टॉक जो है बॉटम बना दिया है, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं 23 मार्च को ये जो है मार्च को ये स्टॉक का प्राइस जो लगभग 40 रुपीज़ के आसपास हो चुका था कोरोना वायरस की वजह से, इसमें आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मतलब जो भी है 3-4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आपको देख सकते हैं वही रेंज में मिला, मतलब ये स्टॉक ज़्यादातर अब नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ से अगर ये जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। और देख सकते हैं कोई भी देखिए यहाँ पर इंसान आपको बता सकता है, और देखिए जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा बुलिश आपको दिखाया जा रहा है, ये स्टॉक इसमें जो आपको सडन गिरावट देखने को मिला था ये कोविड-19 की वजह से मिला था। आप ये स्टॉक देख सकते हैं ज़्यादातर इसमें आपको मतलब अपर सर्किट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड केवल यहाँ पर देख सकते हैं, इसने यहाँ पर देखिए फर्स्ट बटन बनाया, यहाँ देखिए सेकंड बटन या थर्ड बटन है, इसको फोकस कीजिए इसको, ठीक है ये लाइन को फोकस कीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है ना। तो ये रहा चार्ट, यहाँ पर देखिए स्टॉक ने फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड बॉटम बनाया, जब भी स्टॉक यहाँ तक नीचे आया था ये जो इसका एक लेबल है इससे नीचे नहीं आता, ये स्टॉक इससे नीचे नहीं आता, जब फर्स्ट टाइम आया तो ऊपर गया, सेकंड टाइम आया तो ऊपर गया, थर्ड टाइम देख सकते हैं यहाँ थोड़ा ऊपर में था, लेकिन जब यहाँ थर्ड टाइम देखिए जब नीचे बॉटम बनाया तो फिर भी ये स्टॉक यहाँ पर आके रुक चुका है, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं लेकिन स्टॉक वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये स्टॉक को बोला जा रहा है कि ये पैसा जो है स्टॉक आपको डबल कर सकता है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक पर फोकस कीजिए, और छोटी प्राइस में अगर कोई मल्टी बैगर शेयर ढूंढ रहे हो जिसका क्वालिटी बेस्ट हो और क्वांटिटी भी आप ज़्यादा खरीद सकते हो और आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा आप फेडरल बैंक पे आप नज़र डाल सकते हो एक नज़र। और देखिए वैसे तो HDFC बैंक भी बहुत अच्छा है, HDFC बैंक पे तो कोई डाउट ही नहीं, आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, देखिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया जा रहा है तो आप काम कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो काम कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपसे पैसे नहीं लिया जा रहा, जब आप चाहो जा सकते हो, जब आप चाहो आ सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है एंजल ज़ीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है और आप जब चाहो आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो आप अपना पैसा निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक और फैसिलिटीज़ दी जाती है, देखिए आप शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक मुझे खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये बड़ा वाला स्टॉक खरीदना है, ये छोटा वाला स्टॉक खरीदना है, ये कौन सा खरीदना है, तो आपको बताया जाएगा कि ये स्टॉक में निवेश कीजिए, ये बेस्ट है, लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत अच्छा है, तो आपको पता चलेगा स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ऊपर से केवल आपसे 20 रुपीज़ लिया जाता है, वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगह लिया जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।